अखिलेश यादव भाजपा पर निकाय चुनाव में धांधली का आरोप लगा रहे हैं, लेकिन अब सपा के ही एक वरिष्ठ नेता ने लगातार हो रही पार्टी की पराजय पर चिंता जाहिर की। समाजवादी पार्टी के महासचिव और पार्टी के बड़े दलित चेहरे रामजीलाल सुमन ने दिवंगत से बातचीत के दौरान एक के बाद एक चुनाव में मिल रही हार पर चिंता जताते हुए पार्टी अध्यक्ष अखिलेश यादव को नसीहत दे डाली कि अब पार्टी में आत्मचिंतन का समय आ गया है। तो दो दिन हुए चुनाव परिणाम को, थोड़े दिनों बाद हम लखनऊ जाएंगे, बैठ के बात करेंगे और हम ये अपेक्षा करेंगे, उनसे कहेंगे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी से कि समीक्षा जरूर होनी चाहिए। दरअसल 2017 विधानसभा चुनाव हारने के बाद सपा, 2019 लोकसभा चुनाव हारी, इसके बाद 2022 विधानसभा चुनाव में फिर से पार्टी की हार हुई। रामपुर और आजमगढ़ लोकसभा उपचुनाव में हार हुई, रामपुर विधानसभा उपचुनाव में पार्टी की हार हुई और अब निकाय चुनाव और विधानसभा उपचुनाव में मिली शिकस्त से समाजवादी पार्टी पस्त होती दिखने लगी है। हालांकि रामजीलाल सुमन ने नगर पालिकाओं और नगर पंचायतों में सपा के प्रदर्शन को बेहतर बताते हुए कहा कि सिर्फ नगर निगमों में मिली जीत को भाजपा बड़ा चढ़ा कर पेश कर रही है। नामों का सवाल है, कुल मिलाकर के देखें तो जनादेश भाजपा के खिलाफ है। जिले के जिले साफ हो गए, नगर निगमों को छोड़ करके अगर पूरे चुनाव परिणाम का आप विश्लेषण करें तो आप पाएंगे कि बीजेपी हारी है, प्रतिपक्ष जीता है। कानपुर से विधायक अमिताभ वाजपेयी ने शहर के मेयर पद चुनाव में अपनी पत्नी वंदना वाजपेयी की हार पर सफाई देते हुए वंदना वाजपेयी के प्रदर्शन की तारीफ की। सपा विधायक अमिताभ वाजपेयी ने कहा कि मेयर चुनाव में वंदना वाजपेयी का मुकाबला प्रमिला पांडे नहीं बल्कि भाजपा के कमल निशान से था। जिनसे हमारी लड़ाई थी उनका सिंबल काम करता है, उस व्यक्ति को वोट नहीं मिलता, वहाँ लोग कहते हैं प्रत्याशी कोई भी हो, हमारा प्रत्याशी कमल का निशान, तो वो कमल का वोट है। वाजपेयी ने कहा चुनाव लड़ने की इच्छा न होने के बावजूद उनकी पत्नी वंदना वाजपेयी पार्टी के आदेश पर मैदान में उतरी और पहली बार सपा मेयर पद के चुनाव में दूसरे नंबर पर आ गई। और जो पार्षदी बड़ी संख्या में समाजवादी पार्टी के पार्षदी दूसरे स्थान पर आए हैं, कहीं ना कहीं पार्टी का जो वर्चस्व बढ़ा है उसका परिणाम है। पहले ये स्थान कांग्रेस पार्टी का हुआ करता था, ये पार्टी समाजवादी पार्टी का स्थान हुआ है। जो दूसरे नंबर पे आए वो भी अपने कम न माने, अपने क्षेत्रों में जनता की सेवा में लगे रहें, लोगों से जुड़ करके रहें, पारिवारिक रिश्ते बनावें, क्योंकि जिससे लड़ना है हम लोगों को वो आसान नहीं है। अमिताभ वाजपेयी ने कानपुर में सपा की हार के लिए बसपा, कांग्रेस और एआईएमआईएम को जिम्मेदार ठहराते हुए कहा कि कई वार्ड्स में इन पार्टियों के मुकाबले सपा के कमजोर प्रत्याशी भी हार की बड़ी वजह साबित हुए। निकाय चुनाव में हार के चलते सिर्फ समाजवादी पार्टी नहीं बल्कि कांग्रेस में भी खलबली मची हुई है, क्योंकि कांग्रेस को इन नतीजों के बाद अब 2024 का डर सताने लगा। दरअसल निकाय चुनाव में 2017 के मुकाबले इस बार कांग्रेस के प्रदर्शन में भारी गिरावट आ गई। न सिर्फ कांग्रेस के पार्षदों की संख्या घटी बल्कि कांग्रेस के 15 मेयर प्रत्याशियों की जमानत भी जब्त हो गई, जिसके बाद कांग्रेस को हालात न सुधरने पर 2024 में भी पराजय का डर सताने लगा है। कांग्रेस पार्टी को 90,000 वोट मिला है, हम तीसरे नंबर पे आ गए, इससे पहले कई बार स्थितियां और भी खराब रही हैं सरला सिंह के टाइम, लेकिन कांग्रेस उभर के आई है, हम दुगने जोश के साथ 2024 की तैयारी में लग गए हैं। कानपुर में कांग्रेस के अंदर ही मेयर पद के प्रत्याशी आशनी अवस्थी पर एक राय नहीं थी, जबकि कई वार्ड्स में बगावत ने कांग्रेस को और कमजोर कर दिया, जिसके बाद निकाय चुनाव के नतीजे मजबूत गढ़ रहे कानपुर समेत कई और जिलों में कांग्रेस के लिए खतरे की घंटी की तरह हैं। मुस्लिम वोटर्स की बात करूं तो उसका रुझान कांग्रेस की तरफ रहा, लेकिन इस बार ये मिथक टूट गया कि जो बीजेपी को हराता हुआ दिखेगा हम उसको वोट करेंगे। मुसलमान में भी ये मिथक टूटा, इसकी एक वजह ये भी कि कांग्रेस का कैंडिडेट बहुत अच्छा नहीं था जो वोटों को आकर्षित कर सके। कानपुर में हैरान करने वाले नतीजों के बाद अब पार्टी विरोधी गतिविधियों में शामिल नेता कार्यकर्ताओं की लिस्ट तैयार की जाने लगी है, जिन्हें जल्दी पार्टी से बाहर का रास्ता भी दिखाए जाने की तैयारी है। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।